Hello friends, welcome to my maths magic. Yes, today we will learn prime numbers and composite numbers. Prime numbers क्या होते हैं और composite numbers क्या होते हैं. तो prime numbers क्या होते हैं, जो numbers जैसे 1 से या वो number खुद से divide होते हैं या factors जो होता है उनका, कौन सा factor होता है, 1 और नंबर इटसेल्फ, वो खुद एक फैक्टर होंगे उसके, तो हम उनको नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स. राइट, प्राइम नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर. ऐसे नंबर जिनके फैक्टर कितने होंगे, सिर्फ दो ही होंगे. दो मतलब एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ. जैसे मैंने जिस नंबर को लिया वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या वो खुद से डिवाइड होगा, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स. तो एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं 2 को लेती हूँ तो 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 जो है वो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 2 वो अपने आप से डिवाइड होता है, यानी 2 इटसेल्फ से डिवाइड होता है. जैसे 2 1 2 आपका 1 से डिवाइड हो गया, होली एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए. वो कैसे डिवाइड होना चाहिए, एग्जैक्टली. अब जैसे नंबर आया आपका 3, 3 भी देखो ओनली 1 के टेबल से डिवाइड होगा या 3 खुद के टेबल से डिवाइड होगा, यानी 3 का भी फैक्टर क्या हो गया, 1 और 3. जब आपके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं. अब 4, 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है. क्यों नहीं है, वो एक कंपोजिट नंबर है. क्यों, क्योंकि जैसे 4 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 4 4 से भी डिविजिबल है, 4 1 से भी डिविजिबल है. इसलिए जैसे उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं नंबर्स के, तो हम उन नंबर्स को क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. तो 4 प्राइम नंबर नहीं है. अब हम जाएंगे 5 पर. 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 जो है 5 किससे डिवाइड होगा, 1 से और इटसेल्फ से, वो खुद से डिवाइड होगा. जैसे 5 किसी और के टेबल में अवेलेबल नहीं होता, तो 5 1 से डिवाइड होगा ये 5 खुद से. तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, सिर्फ 2 फैक्टर हुए, 1 और 5. तो वो अगेन वो क्या हो गया, एक प्राइम नंबर. अब 6, 6 जो है वो 2 के टेबल से भी डिवाइड होता है, यानी 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी होता है, 1 से भी होता है. तो उसके 4 फैक्टर्स हो गए. जब मोर देन 2 हो गए तो हम क्या बोलेंगे उसको, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे. तो 6 हमारा एक कंपोजिट नंबर हुआ. अब हम लेंगे 7. 7 क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि 7 जो है वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, वो 1 से डिवाइड होता है या फिर वो 7 से ही डिवाइड होता है ना. तो 7 भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया. अब देखो 8, 2 के टेबल से डिवाइड होता है, 4 के टेबल से डिवाइड होता है, 8 खुद के टेबल से डिवाइड होता है, तो वो जो हुआ वो एक कंपोजिट नंबर हो गया 8. 9 भी क्या हुआ, 9 भी आपका 3 के टेबल से डिवाइड होता है, 9 9 के टेबल से डिवाइड होता है, 9 1 के टेबल से डिवाइड होता है, इसलिए 9 भी क्या हुआ, कंपोजिट नंबर्स. मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं तो हम उनको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. 9 के बाद 10, 10 भी देखो 10 आपको 2 के टेबल से डिवाइड होता है, 5 के टेबल से डिवाइड होता है, 10 10 के टेबल से डिवाइड होता है, 1 के टेबल से डिवाइड होता है, तो अगेन 10 भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया. अब 11, 11 जो है वो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होता है, तो हम ऐसे नंबर्स को, 11 को भी क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर. लेकिन 12 हुआ वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 12 जो है वो 2 से डिवाइड है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो अब 12 हो गया, 12 कंपोजिट नंबर हो गया. 13 आपका नेक्स्ट नंबर है, 13, 13 भी देखो 1 और 13 खुद से डिवाइड होता है, उसके 2 फैक्टर्स है, तो हमारा नंबर 13 क्या हुआ है, प्राइम नंबर. तो ऐसे आप प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं, जो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं या खुद से डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर्स, जो थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है बट मैं आपको एक बार और बताती हूँ. ओके, नाउ कंपोजिट नंबर्स. व्हाट इज कंपोजिट नंबर, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. जैसे मैंने पहले प्राइम नंबर में आपको बताया कि जिसके 2 फैक्टर्स है वो क्या हो गया, प्राइम नंबर. लेकिन मोर देन 2, जैसे मोर देन 2 में 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स जो मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब मोर देन 2 नंबर्स से डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स. अब कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल देखो, जैसे नंबर 4, फर्स्ट इज 4, 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है,
है, 4 से डिविजिबल है, इसलिए 4 एक क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, मोर देन टू फैक्टर्स. नंबर आपका नंबर 6, नंबर 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल, 4 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो नंबर 6 भी क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया. नंबर 8, नंबर 8 भी जो है वो किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, तो ये भी 4 फैक्टर्स आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो 8. ऐसे नंबर्स जो जिनको डिवाइड करने कर आप बहुत 2-3 नंबर से डिवाइड कर सकते हो, उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स. जैसे आपका नंबर आया 10, 10 भी एक क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि वो 10 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी, और नंबर 10 से भी डिविजिबल है, तो ऐसे 4 फैक्टर्स आ जा रहे हैं उसके. तो ऐसे नंबर्स जिनके कितने फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स. तो आप ऐसे बहुत सारे नंबर्स जैसे आपके 1 to 100 के बीच में आप कंपोजिट नंबर्स को सर्कल कर सकते हैं या कट कर सकते हैं. आप ट्राई करने के लिए क्या करोगे, पूरा 1 to 100 लिखिए और उन नंबर्स को ये देखिए कि ये किसी और के टेबल में अवेलेबल है क्या, या किसी और नंबर से डिविजिबल है. जैसे हम इन नंबर्स को, जब कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तब हम डिविजिबिलिटी को ध्यान रखते हुए कंपोजिट नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, उनको ढूंढ सकते हैं. तो आप लोग ट्राई कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए. बाय.